टावर ए मेरा 12 फ्लोर हो चुका है, स्लैब का काम चल रहा है 11। ओके फेज वन का अलग से क्लब हाउस है, फेज टू का अलग से क्लब हाउस है, जितने यानी मिनिमम लोग हैं और मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम फैसिलिटी फैसिलिटीज मिल जाएगी। 8 से 9 मिनट की दूरी पे एक ऑपरेशनल मॉल है ऑलरेडी, 5 लाख स्क्वायर फीट का। 8 मिनट ड्राइव करेंगे तो एक डी मार्ट आ जाता है। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और एक बार आपका फिर से स्वागत है प्रॉपर्टीज डॉट इन में। कुछ मेरे जो क्लाइंट हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो यहाँ पर नहीं है, तो बालाजी स्टेट जिसकी मैंने एक पूरी सीरीज रेडी करी है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, तो उनका एक रिक्वेस्ट भी आया था और वैसे भी मुझे वो करना ही था कि मैंने सोचा कि बालाजी का जो स्टेटस है फेज वन और टू का वो आपको मैं साथ में शेयर करूँ तो आपके लिए जो बेटर होगा। और आप शायद बार बार यहाँ पे नहीं आ सकते, जिन लोगों ने बुकिंग्स की है या जो करना चाहते भी हैं वो भी ये स्टेटस देखना चाहेंगे, क्योंकि आजकल डिपेंड करता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ी बिल्डिंग ऊपर आ जाए उसके बाद हम बुकिंग करेंगे, तो दोनों ही कंडीशंस में ये जो स्टेटस है ये आपके लिए मायने रखता है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि NRI हैं, तो उन्हीं का मुझे मैसेज भी आया था कि हम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तो आप प्लीज़ स्टेटस मुझे शेयर कर दें वीडियो वीडियो बना के। तो मैंने सोचा कि एक फ्रेश वीडियो बनाया जाए जिसमें मैंने फिर से कोशिश की है कि अब तक मैं कुछ स्टेटस और साथ में अपडेट्स भी दे दूं, तो काफ़ी बेटर तरीके से काम चल रहा है। और लोकेशन पहले लोग कहते थे कि लोकेशन ये क्या होगा, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन आज ये लोकेशन जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में घिर चुका है और एकदम सेंटर पॉइंट पर है। और इसी के साथ में अगर आप चाहें तो मैंने वहाँ पर नोटिस भी किया है कि कुछ ये जो फेज़ टू है इसमें कुछ जोड़ी फ्लैट दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें एक 800 प्लस है और एक 1000 प्लस है, और प्राइस अराउंड 90 के आसपास है बड़े वाले फ्लैट की जो कि 1000 प्लस है। तो 1000 प्लस जो है 90 के आसपास अगर कारपेट आपको मिलता है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और इसमें प्रॉपर 3 BHK आपको मिलता है और एक इसमें जो लिविंग रूम है ये दोनों कंबाइन करने के बाद में काफ़ी स्क्वायर, मतलब ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा बड़ा सा लिविंग रूम बन जाता है। और उसी के साथ में जो किचन का जो प्लेस है वो भी मैंने नोटिस किया कि अगर जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चलता है तो वैसी सूरत में एक प्रॉपर विंडो के साथ, यानी कि एक पूरा विंडो है, एक पूरी बालकनी आपको मिल जाती है, उसमें दो बालकनीज हैं, तो एक बालकनी आपको एक ओपन स्पेस ऑफिस टाइप जैसा होता है, ओपन जो ग्लास फसाड होता है उस तरह का जो फील आएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और हम मिस्टर अक्षय जी जो मेरे साथ में थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी आज नॉलेज बढ़ाया, तो उनके साथ में मैंने जो वीडियो बनाया स्टेटस का वो देखते हैं। तो पहले हम फेज वन से लेते हैं क्योंकि ज्यादा बुकिंग हमारी फेज वन में ही हुई है। राइट, फेज वन जो प्रोजेक्ट हमारा लास्ट अराउंड 14 मंथ्स हो गया हमारा लॉन्च करके। ओके राइट, अभी फेज वन का जो स्टेटस देखेंगे आप, तो फेज वन में मेरे पास टावर ए बी और सी है। टावर ए मेरा 12 फ्लोर हो चुका है, स्लैब का काम चल रहा है, 11 फ्लोर का मेरा बी विंग चल रहा है और सी विंग भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसका जो पोजेशन है मेरा 23 दिसंबर का मेरा पोजेशन है, जो कि टावर ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी साइमल्टेनियसली हम लोग तीनों पोजीशन। अभी हम लोग चलते हैं इसमें अपना ये फेज टू जो है। हाँ जी, तो फेज टू का मुझे बताइए क्या टाइमलाइन है पोजीशन का। ये क्लब बन रहा है ना? यस, ये नीचे की तरफ मेरा क्लब हाउस बन रहा है। अगर फेज टू की अगर बात करें तो फेज टू में करंटली हमने ना 3 टावर लॉन्च किए हैं और 3 टावर में हमारे पास में टावर ए, टावर डी और टावर ई है। तो 24 फ्लोर और 21 फ्लोर के 2 टावर है करंट हमारे पास में। अब अगर फेज टू में ए विंग का अगर आप काम देखें तो ए विंग का मेरा पिलर ऊपर आ गया, स्लैब का काम चल रहा है। साइमल्टेनियसली मेरा ई विंग आप देखें तो पिलर ऊपर आ रहे हैं, और डी विंग में मेरा एस्केलेशन कम्प्लीट हो चुका है तो उसका फॉरवर्ड वर्क रनिंग में। क्लब हाउस अगर आप देखें तो हमने टारगेट लिया है मार्च एंडिंग तक का, यही साल का कि क्लब, हाँ यही साल का कि क्लब हाउस हम कंप्लीट करें। राइट, स्विमिंग पूल का हो गया है, पीसीसी मेरा कंप्लीट हो चुका है बेस का, इसके ऊपर प्लस वन अपने पास में आ जाएगा। तो आज हम फिर जैन में है, मार्च एंड तक वी आर ट्राइंग एंड पुशिंग टू कंप्लीट द एंटायर क्लब हाउस। सो एक आने वाले यूजर को एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, बायर एक्सपीरियंस मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि क्या उनको मिलने वाला है, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। और ये जो है ये फेज टू का क्लब है जितने भी मेरे पास में फेज आएंगे, तो इसमें बेनिफिट होता है एक टाउनशिप के अंदर एक जगह के ऊपर बहुत जगह बहुत लोगों की भीड़ नहीं होती, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है कि ये जो क्लब हाउस यूज होगा यहाँ के ही जो ओनर्स है वही यूज करेंगे तो वही उसका पे करेंगे। यानी मिनिमम लोग हैं और मैक्सिमम फैसिलिटीज मिल जाएगी। आजकल जो ज्यादा चल रहा है 50,000 में एक क्लब, इस तरह का नहीं होता। तो उस
वो ट्रेंड में नहीं है हम लोग, तो इनडायरेक्टली क्या होता है फिर वो टाउनशिप मैनेजमेंट का कॉस्ट भी बच जाता है आपका। और वैसे भी पहले मैंने काफी कुछ कवर किया है वीडियोस में, लेकिन फिर से एक बार मैं अपडेट कर दूं कि इसमें सारे एक्सेस है अलग अलग है, एंट्रीज भी अलग अलग है सारे फेज की, तो अगर किसी फेज वन से फेज टू में किसी को आना है तो वो भी गेट पास होके ही आना पड़ेगा। और ये जो लैंड पार्सल आपके पीछे दिख रहा है ये वाला, ये फेज थ्री आई थिंक सर। हाँ जी, ये फेज थ्री करके हम लोग, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है हमारे पास में। फेज थ्री इस तरह है, फेज फोर है हमारे पास में, फेज फाइव है। सो ऑल एंड ऑल यहाँ पे पूरा इसी पोर्शन, हाँ ये पूरा पोर्शन अपने पास में। ऑल एंड ऑल करंटली वी हैव अराउंड 35 एकर्स व्हिच वी हैव लॉन्च। और ये जो रोड है, हम रोड की बात कर लेते हैं, ये रोड है ना, ये रोड करंटली 12 मीटर है, 24 मीटर रोड बनेगा। और गवर्नमेंट का जो भी निधि होती है, गवर्नमेंट की जो अमाउंट होता है रोड बनाने के लिए, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, वो ऑलरेडी अलोकेटेड है। ओके, राइट। काम अगर आप पीछे की तरफ से देखोगे तो उस तरफ से कोनी वाले रास्ते से शुरू हो चुका है काम, व्हिच वुड बी टेकन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कल्याणशील रोड। 24 मीटर का ये कल्याणशील रोड जा रहा है, रोड तक ये जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, काम स्टार्टेड है। एट द सेम टाइम अपने पास में जो फ्यूचर में ये प्रोस्पेक्ट देगा इसको, जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अपने जो घर लिया है उसका प्राइस डबल किस तरह से होगा, अगर उस तरह की बात करें तो हमारे पास में कटाई से एक रोड आ रहा है, डीपी प्लान है हमारे पास। हाँ। कटाई से लेके कल्याण तक जाएगा। ओके। देखिए सामने से गाड़ियां भी आ रही है। हाँ। तो इस वक्त वो कच्चा रोड है, तो वो जिस तरह से कल्याणशील रोड है उसी तरह से ये रोड भी बनेगा, पैरेलल रोड बन जाएगा। तो यहाँ के जो रेजिडेंट्स है उनको ऑल द वे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, यहीं से बोथ द वे, अगर शीलपाटा की ओर जाना है या फिर कल्याण की ओर जाना है, दोनों तरफ, या फिर अंबरनाथ बदलापुर रोड इस तरफ से जाना, चारों तरफ से आपको कहीं भी जाना है आपको कनेक्टिविटी यहीं से मिल जाएगी। राइट है। अब यहाँ से मैं, मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग अगर आई थिंक 8 मिनट ड्राइव करेंगे तो एक डीमार्ट आ जाता है। हाँ जी, तो पहला डीमार्ट है, पहला मानपड़ा रोड का। और उसके बाद में फिर अभी दो मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं, अलग मॉल्स बन रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं। एक मॉल अभी 8-9 मिनट की दूरी पे एक ऑपरेशनल मॉल है ऑलरेडी, 5 लाख स्क्वायर फुट का, एक 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल आ रहा है अपने पास में। प्लस आसपास के आप देखेंगे लोकेलिटी तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो विच वुड अगेन कम अप विद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो कि ऑलरेडी डोंबोली कहा जाता है हब है एजुकेशन का, एजुकेशन का हब है डोंबोली, सबसे ज्यादा क्लासेस है, कॉलेजेस है। अब जो लाइफस्टाइल अपग्रेड है उसमें मॉल्स ऐड हो रहे हैं, तो फिर विच विल बेनिफिट द एंटायर वेसिनिटी। रोड की भी मैं बात करूं तो ज्यादातर रोड ब्रॉड हो चुके हैं, और पूरा रोड जो, ये जो रोड अप्रूव्ड है, इसके पहले भी जो दो तीन रोड इसके थे जो कच्चे थे पहले, उनको गवर्नमेंट ने बना दिया है। अब इसका नंबर अब एक्चुअली इस तरह जा रहे हैं कल्याण की ओर। तो जिस जगह पे, जहाँ पे गवर्नमेंट भी कहाँ पे इंफोसिस करती है पहले, जिस जगह पे लोग रहने आने वाले हैं, जहाँ पे बस्ती बसेगी वहाँ पे रोड बनेगा। राइट राइट। और आज का रूल ऐसा हो गया है कि जहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट आएगा वहाँ पे लोग आएंगे, सो एवरीबॉडी वुड मूव अगेंस्ट बिसाइड द रोड। और अपना प्रोजेक्ट राइट बिसाइड द रोड है, राइट बिसाइड द, अगर आप देखो 2 मिनट वॉक फ्यूचर हाईवे है अपने पास में। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे याद है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये लाइन, इसी लाइन में आप इस रोड से जाएंगे या फिर जो भी दो तीन रोड यहाँ पे बनने वाले हैं, इनमें से 800 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन अपकमिंग जो आने वाला है, मेट्रो स्टेशन, अब वो तो फ्यूचर है कि वो 5 साल में आता है या 7 साल में आता है। एक हेदुथाने मेट्रो स्टेशन है और एक मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन है, सो आपको सीमलेसली दोनों मेट्रो स्टेशन ज्यादा करीब होगा ना, ज्यादा करीब होगा मानपाड़ा इस तरह। तो दो मेट्रो स्टेशन की भी कनेक्टिविटी आपको मिलती है रोड इंफ्रा के साथ में। और अगर आप 3-4 मिनट ड्राइव कर ले आएंगे तो फिर एरोली कटाई का आपको वे और फ्री वे का एक्सेस भी मिल जाएगा। ओके। और अभी फ्यूचर जो है वो दो तीन फेज और आने वाले हैं अपने, तीन फेज और है हमारे तो पास। अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो आई थिंक तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी में तो 3-4 वेरिएशन है आपके पास। हाँ जी, 365 से लेके 491 तक, 491 तक, और प्राइस भी बिलो 30 भी स्टार्टिंग 30 है अपने पास में। एक 1RK का ऑप्शन अपने 291 का, जो कि कॉम्पैक्ट 1BHK आप बोल सकते हैं। सो अगर आप देखें तो मेरे पास में 25 लाख से स्टार्ट होता है और मेरे 50 लाख तक मेरे पास में आता है। और No doubt, और 50 लाख में 2BHK है, 2BHK विद कार पार्क आएगा, विद ऑल इंक्लूसिव क्लब हाउस वगैरह, हर एक चीज की प्राइस, यानी सबके लिए, किसी भी फैमिली के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन है हर एक के लिए। इवन अभी मैंने जस्ट एक नीचे भी एक्सरसाइज की थी कि आपके पास में दो जोड़ी फ्लैट के भी कॉन्सेप्ट है। जोड़ी फ्लैट के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जिसमें आई थिंक 1000 प्लस का एक है, 1000 प्लस का एक और 856 का एक है, तो एक 365 और 491 का बनता है, 2BHK और 1BHK 90 लाख के आसपास, तो बड़ा वाला कॉम्बिनेशन 2+1BHK का आता है, जिसमें आप 3 बेडरूम्स है, मैंने अभी नोटिस किया,
दो किचन है, उसमें से एक किचन आप मॉडिफाई करके उसको ऑफिस रूम वगैरह कुछ कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा हॉल बन रहा है उसका, तो आप अगर चाहें तो मैं उसका लेआउट का भी वीडियो बना दूंगा। और एक फाइनल टॉक लास्ट में मैं भूल गया था, सॉरी, 5% जो लोन लोग पे करना चाहते हैं, ज्यादा ऑन कंट्रीब्यूशन अभी कंडीशन नहीं है ए, हमारे पास में उसमें भी अपॉर्चुनिटी उसमें भी हमने क्रिएट करके रखी हुई है बैंकिंग के साथ में, जो कि 595 का स्कीम है हमारे पास में। सो जिसमें 5% आप डाउन पेमेंट कीजिए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरिए, 95% लोन ऑल नेशनलाइज्ड बैंक के, ऑल प्राइवेटाइज्ड बैंक के साथ तकरीबन 12-13% पे करके स्टैम्प ड्यूटी और 5%, हाँ, तो आराम से आप घर बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अक्षय जी और ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए काफी यूजफुल होगा, और आने वाले जो लोग हैं जो नई बुकिंग लेके आने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा डेफिनेटली डेफिनेटली राइट टाइम है टू बाय। तो वीडियो के एंड तक आप फाइनली पहुंच ही गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी कर देंगे, और कोई भी सवाल हो बालाजी स्टेट से रिलेटेड किसी भी तरह का, ये प्रोजेक्ट स्पेशली मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ मेरे केस में, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन मार्क आता है आपके माइंड में तो ये जो नंबर है 9320201565 वहाँ पर मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और आपके साथ मैं बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।